हाय फ्रेंड, मैं हूं दिलीप। इंस्पायर ट्रैवल ब्लॉग की तरफ से आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। और इस टाइम मैं मोनिकरण में हूं। पार्वती नदी किनारे बसा हुआ मोनिकरण एक धार्मिक स्थल है ही, साथ में ही यहां पर नेचुरल ब्यूटी के वजह से ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। मोनिकरण गुरुद्वारा बसा है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, जो कौशल के ठीक पास में। मनाली से मोनिकरण के डिस्टेंस है 85 किलोमीटर, जो पहाड़ी में बसा हुआ है। फिर भी हर रोज यहाँ पर हजारों श्रद्धालु मन्नत और दुआ मांगने के लिए आता है। हिंदू धर्म मानने वालों के लिए भी मोनिकरण एक पवित्र धार्मिक स्थान है। ऐसे क्या है खास, तो आइए जानते हैं इस जगह के बारे में। तो यहाँ पर आप कैसे आओगे, क्या क्या देख सकते हो, हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक और कमेंट के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे साथ देखिए हिमाचल प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में एक मोनिकरण गुरुद्वारा, और साथ में देखिए राम मंदिर, कृष्णा मंदिर और सबसे प्रमुख शिवा टेम्पल। ब्यास नदी किनारे बसा हुआ कुल्लू सिटी बहुत ही खूबसूरत है। हर साल गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए हजारों टूरिस्ट कुल्लू सिटी में आता है। मेरे ठीक सामने है माता वैष्णो मंदिर, जो कुल्लू के एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस विशाल मंदिर अंदर से बहुत ही खूबसूरत है, अंदर वीडियो और फोटो खींचना माना है। सुबह से शाम तक हर भक्त के लिए अंदर फ्री में लंगर खिलाया जाता है। कुल्लू नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ यहाँ का रैफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए भी मशहूर है। सुबह से शाम तक रैफ्टिंग करने के लिए ब्यास नदी किनारे में सैलानियों की भीड़ आपको नजर आएगा। ब्यास नदी किनारे में कुछ खंड बैठने से आपका दिल की सुकून और शांति मिलेगा। यहाँ का पर्यावरण और नेचुरल ब्यूटी आपका दिल छू जाएगा। मनाली से मोनिकरण आने के लिए आपको 4 से 5 हजार तक किराया देना पड़ेगा। मनाली से मोनिकरण के लिए हर रोज बस आता है, जो वन वे का किराया 150 रुपया। यहाँ पर रहने का और गाड़ी पार्किंग करने के लिए बहुत सारे सुविधा उपलब्ध है। यह है मोनिकरण की प्रसिद्ध राम मंदिर। इसका साथ ही आपको कृष्णा मंदिर, विष्णु मंदिर और शिव टेम्पल देखने को मिलेगी। पहाड़ी पर बसा हुआ यह मंदिर बहुत ही पुरानी और खूबसूरत भी है।
राम मंदिर से थोड़ा आगे जाओगे तो आपको मिलेगा मणिकरण की प्रसिद्ध गुरुद्वारा। रोड के दोनों साइड आपको बहुत सारे शॉप मिलेगा, यहाँ से आप सुविनियर गिफ्ट आइटम खरीद सकते हो। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मन पसंदीदा चीज मिल ही जाएगी जो चीफ्ट एंड बेस्ट है। मणिकरण गुरुद्वारा सिख रिलीजन्स के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थल। पार्वती नदी किनारे बसा हुआ एक गुरुद्वारा बहुत ही खूबसूरत एक लोकेशन है। पौराणिक कथा अनुसार गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर भाई बाला और मर्दाना का साथ यहाँ पर आए हुए थे। मणिकरण में नदी के एक साइड किनारे से इतना गर्म पानी निकल रहा होता है तो दूसरी तरफ गिलोसियर से निकाल के आता है पार्वती नदी की ठंडा पानी। कुल्लू जाते ही पार्वती नदी ब्यास नदी का साथ मिल जाता है। मणिकरण गुरुद्वारा बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में है। यहाँ पर हजारों टूरिस्ट के साथ बहुत सारे श्रद्धालु आपको देखने को मिल जाएगी। पार्वती नदी की ठंडा पानी के साथ यहाँ पर हॉट स्विंग आपको देखने को मिल जाएगी जो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर हॉट स्विंग में स्नान करने के बाद स्किन की बीमारी ठीक हो जाती है, इसलिए हर रोज हजारों श्रद्धालु इस हॉट स्विंग में स्नान करने के लिए आता है। फर्स्ट फ्लोर पर है ये गुरुद्वारा। हर रोज हजारों श्रद्धालु इस गुरुद्वारा में माथा टेकने के लिए आता है। और मैं आ गया हूँ मणिकरण गुरुद्वारा की किचन में। यहाँ पर 24 घंटा लंगर चलता है। हर रोज हजारों श्रद्धालु इस लंगर को प्रसाद के रूप में खाता है। आपको यहाँ पर रहने का खाने का फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधा मिल जाएगी। हिंदू धर्म मान्यता अनुसार मणिकरण एक पवित्र धार्मिक स्थल है। शिव जी को ये जगह बहुत ही पसंद आया हुआ था। पार्वती जी और शिव जी ने यहाँ पर 11,000 साल तक तपस्या किया था। शिव जी ने इस जगह का नाम मणिकरण रख दिया था। हर रोज हजारों टूरिस्ट इस टेम्पल में आता है। यहाँ का उगलता हुआ पानी में कपड़ा में चावल डाल के पकाता है जो बाद में प्रसाद के रूप में भेंट दिया जाता है। शिव जी की असीम कृपा आपके साथ हमेशा रहेगी। जिंदगी में आप कभी ना कभी इस पवित्र धार्मिक स्थल में जरूर आना। यहाँ पर आने से आपको सुख शांति के साथ साथ शिव जी की असीम कृपा आपके साथ हमेशा होगा।